नमस्कार, मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंथली और डेली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखेंगे। अगर आज मार्केट तकरीबन 17,600 के आसपास है, अगर मार्केट 17,553 तोड़ता है तभी जाके आपको नेगेटिव देखने के लिए मिलेगा। 17,553 के ऊपर 17,600 एक रेजिस्टेंस है, 17,650 ये सारे बुलिश पॉइंट्स हैं। जैसे ही 17,680 के आसपास जाएगा तो रिवर्स होने के चांसेस है। उसी तरह मंथली स्पॉट अगर देखेंगे तो 17,890 के बाद आप बुल सोच सकते हो। 17,890 तक मार्केट चौपी रहेगा। 17,890 या 17,900 को आप टारगेट रख सकते हो। उसके ऊपर मार्केट तेजी पकड़ेगा और कहाँ तक रिवर्सल नहीं हो सकता, 18,630 तक। तो मेजर आप देखोगे तो 18,260 और 18,630 ये दोनों रेजिस्टेंस लेवल लेके आप चल सकते हो। बैकवर्ड अगर 17,434 तोड़ देता है तो वहाँ से मार्केट गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती है। उसी तरह बैंक निफ्टी अगर देखें तो 40,124 के ऊपर बैंक निफ्टी पॉजिटिव है। 40,522 तक रिवर्स नहीं होने के चांसेस हैं। अगर उसके ऊपर जाता है तो उसके ऊपर आप बाय मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से रिवर्स हो सकता है। उसी तरह बैकवर्ड अगर देखें 39,879 के बाद नेगेटिव ट्रेंड पकड़ सकता है डेली चार्ट। तो 39,742 और 39,482 एक रिवर्सल जोन हो सकते हैं, सपोर्ट जोन हो सकते हैं। उसी तरह मंथली अगर देखें तो 41,300 के ऊपर मार्केट पॉजिटिव रहेगा। उससे पहले मंथली लेवल्स तो बता रहे हैं कि नहीं, उससे पहले आपको पॉजिटिव ट्रेंड नहीं मिलेगा। तो अभी मार्केट 41,338 बहुत दूर है 1,000 पॉइंट। जब तक यहाँ तक नहीं जाता आप चौपी मार्केट में ट्रेड ले सकते हो। उसी तरह 39,972 बहुत ही मेजर सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ देता है तो मार्केट नीचे की तरफ 37,760 तक चला जा सकता है। मंथली सपोर्ट लेवल्स में बता रहा हूँ। तो मेजर सपोर्ट लेवल अगर देखा जाए तो 39,208 और उसके बाद 38,380, उसके बाद 37,760। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आप फॉलो कर सकते हो। ये सपोर्ट लेवल्स मैंने कैलकुलेट किया हुआ है और बहुत ही फिनोमिनल रिजल्ट है। अभी चलते हैं हमारे सेमी एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। निफ्टी अगर देखें तो 5 मिनट के कैंडल के चार्ट में ऑलरेडी रेजिस्टेंस तोड़ा हुआ है, लेकिन सेल सिग्नल हमारा अभी भी चालू है। 15 मिनट के चार्ट में ऑलरेडी सपोर्ट लेवल तोड़ के बहुत ज़ोरों से गिरा हुआ है। नीचे के साइड में आप अगर देखें तो 17,357 तक मार्केट आ सकता है, ये मेजर सपोर्ट है। उसके ऊपर जा सकता है, फिर ऊपर पॉजिटिव जा सकता है। तो आज थोड़ा चौपी होने के चांसेस हैं। आवरली चार्ट में भी सेल ही है और 17,350 का सपोर्ट दिखा रहा है। डेली कैंडल चार्ट को अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ पर भी सेल ही है। उसी तरह बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे, आप इस हमारे ये कस्टमाइज इंडिकेटर है, आप ले सकते हो कोई भी स्टॉक या कोई भी सिक्योरिटीज़ में आप डाल के ये देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 38,790 मेजर सपोर्ट है। मार्केट अभी डेली कैंडल चार्ट के हिसाब से सेल ही है। बैंक निफ्टी आवरली के हिसाब से बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है। अगर मार्केट यहाँ पे प्रीवियस हाई मतलब 41,200 तोड़ता है तो यहाँ पे बाई आ जाएगा। तो आप वो जो मैंने पहले दिखाया है उसी के रेजिस्टेंस लेवल तक आप प्रॉफिट ले सकते हो। 15 मिनट के चार्ट में अगर देखें तो 15 मिनट के चार्ट में बाय दे चुका है। तो ऑलरेडी आप अगर बैंक निफ्टी में आज काम करना चाहते हो तो बाय साइड में काम कर सकते हो। आपका टारगेट लगभग 40,494 जो मैंने डिस्कस किया था वहाँ तक जा सकता है। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है। अगर ये इंडिकेटर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। ये परचेस करना पड़ेगा आपको हमारे से और इसमें आप कोई भी स्टॉक बाय सेल डाल सकते हो। आपको अगर कोई स्टॉक के ऊपर रिकमेंडेशन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में देख के डाल सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।